Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about cyber attack on India, and this topic is important from our syllabus paper 4 internal security point of view. सबसे पहले current news देखते हैं. तो according to a report published by New York Times, एक state sponsored attack हुआ है, cyber security attack हुआ है India के ऊपर. ये state sponsored का मतलब है कि किसी दूसरे country ने इस attack को support किया है, and this state sponsored attack has come from China. तो चाइना की एक हैकर ग्रुप है, साइबर हैकर ग्रुप है रेड इको, जिसको सपोर्ट किया है ऐसा माना जा रहा है चाइनीज सरकार ने. और इस रेड इको हैकर ग्रुप ने इंडिया के पावर सेंटर्स पे साइबर अटैक किया था अक्टूबर 2020 में. अब ये जो रिपोर्ट है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुई है. भारत सरकार ने इसको फॉर्मली माना नहीं है, लेकिन भारत सरकार के कुछ ऑफिशियल्स ने अनऑफिशियल तरीके से ये बताया है कि हाँ इस तरह का एक अटैक हुआ था. और उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे देश की जो एजेंसी है साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसका काम है हमारे देश के अंदर साइबर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, उसको फिर इंफॉर्मेशन दिया था कि इस तरीके का अटैक हुआ था हमारे देश के ऊपर. देखिए मैं फिर से समझाता हूँ. मुंबई के अंदर 2020 में, यानी कि पिछले साल अक्टूबर में, एकाएक से पावर ब्लैकआउट हो गया था. बहुत सारे जगहों पे बिजली एकाएक से चली गई थी, और बाद में पता चला किसके पीछे, चाइना की एक हैकर ग्रुप रेड इको का काम है, हाथ है. और इस रेड इको को चाइनीज सरकार सपोर्ट कर रही थी, और ऑफ कोर्स भारत सरकार इसको फॉर्मली मान नहीं रही है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये अटैक चाइना की तरफ से हुआ था. इम्पॉर्टेंट जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात है वो ये है कि इस ये एक मालवेयर अटैक था, और इस मालवेयर का नाम था शैडो पैड. हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि शैडो पैड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. साथ ही साथ हमारे देश के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी बताया है कि देखिए ऐसा अटैक हुआ तो था, लेकिन कोई मेजर इंपैक्ट नहीं हुआ है, कोई मेजर लॉस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिस अटैक. तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट वॉज ए मालवेयर अटैक, तो एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि कितने तरीके के साइबर अटैक्स हो सकते हैं. देखिए मालवेयर में कैसा होता है कि एक खराब सॉफ्टवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर जानबूझ करके इंसर्ट कर दिया जाता है हमारे सिस्टम के अंदर. फॉर एग्जांपल कभी कभार आप देखते होंगे कि आपके लैपटॉप पे या सिस्टम कंप्यूटर पे अपडेट करने का ऑप्शन आता है कि प्लीज़ अपडेट योर सॉफ्टवेयर, और जब आप अपडेट करते हैं तो उस प्रोसेस में कोई खराब जो माल फंक्शन करने वाला सॉफ्टवेयर है उसको अपलोड कर दिया जाता है बाय ये हैकिंग एजेंसी. और उससे होता क्या है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है, और उस कारण से आपके सिस्टम से जो भी चीज़ें चल रही थी वो बंद पड़ जाती हैं. तो माना जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो हमारा पावर सप्लाई सेंटर है उसके सॉफ्टवेयर को एक बार के लिए डिसरप्ट कर दिया गया था थ्रू दिस मालवेयर. उसके अलावा एक तरीके का साइबर अटैक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर. रैंसमवेयर में कैसा होता है कि आपका सिस्टम अपने आप से लॉक हो जाता है. हैकर्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम को लॉक कर देते हैं, और फिर वो पैसा मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं कि पैसा इतना दो तभी जाकर के तुम्हारे सिस्टम का वापस से हम एक्सेस ओपन करेंगे. तो ये होता है रैंसमवेयर. एक होता है स्पाईवेयर. स्पाईवेयर में आपको पता भी नहीं चलता है और आपके कंप्यूटर से, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन धीरे 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 चुराए जाते हैं. एक जिसका एग्जाम्पल है पिगासस, एक तरह का स्पाई वेयर है. इसके अलावा वायरस होते हैं कभी कभार कंप्यूटर के अंदर. वायरस भी कभी कभार बनाए जाते हैं ताकि वो आपके कंप्यूटर से डाटा को रेप्लिकेट करें, मतलब उसकी एक कॉपी बनाए और इन्फॉर्मेशन दूसरों को पास ऑन करें. फिर होते हैं ट्रोजन्स. ट्रोजन अटैक्स में क्या होता है कि आपको लगता है कि ये जो सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं ये ओरिजिनल है, लेजिटिमेट है, लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर रन करते हैं तो आपका सिस्टम पूरी तरह से हैक हो जाता है. उसके अलावा होती है फिशिंग. फिशिंग में इस तरह का सॉफ्टवेयर रन करा दिया जाता है जानबूझ करके आपके कंप्यूटर पे, जिससे आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट कर लें और उससे आपके इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाए, और फिर आपके आपके साथ कुछ बैंक फ्रॉड कर लिया जाए. बहुत बार देखो होता कैसा है फिशिंग के अंदर कि जो हमारी डिजिटल पेमेंट वाली जो स्क्रीन है
उसी के जैसी मिलती जुलती स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है और हमें लगता है कि हमारा डिजिटल पेमेंट वाला स्क्रीन ओपन है। हम वहाँ पे अपने सारे डेटा इनपुट कर देते हैं और उसके बाद वो हमारा डेटा चोरी हो जाता है और फिर हमारे बैंक अकाउंट तक एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है इन लोगों को और वहाँ से वो पैसा चुरा लेते हैं। फिशिंग से ही मिलता जुलता है विशिंग में क्या करते हैं, वॉइस कॉल से फ़ोन करके हमसे हमारा डाटा चुराने की कोशिश की जाती है। आप सुनते होंगे इस तरह का कुछ, एक टीवी सीरीज भी आया था जामतारा, कुछ जगह के लोग हैं झारखंड के जामतारा के लोग जो इस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, फ़ोन पे लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनसे उनके पर्सनल डिटेल्स निकलवाते हैं ताकि उनसे वो बैंक फ्रॉड कर सके। उसके अलावा एक और तरीके का साइबर अटैक होता है, इसको कहते हैं साइबर बुलिंग। उसमें ऑनलाइन थ्रेट्स देते हैं, ऑनलाइन धमकियाँ देते हैं लोगों को कुछ लोग, जैसे कि कई दफ़ा आप देखते होंगे कभी क्रिकेटर्स हार जाएं, कभी कोई मैच इंडिया हार जाए तो क्रिकेटर्स को साइबर बुलिंग किया जाता है, ऑनलाइन थ्रेट्स दिए जाते हैं तुम्हें घर में घुस के मार देंगे ऐसा वैसा। सो दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ साइबर थ्रेट। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर साइबर क्राइम और ए काइंड ऑफ साइबर अटैक। इसमें ये अलग अलग तरीके के साइबर अटैक्स पॉसिबल हैं या मिस यूज ऑफ साइबर स्फेयर पॉसिबल है। अभी मॉडर्न टाइम्स में साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गई है, मॉडर्न टाइम्स में साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा चैलेंजेस क्यों निकल के आ रही हैं वो भी समझते हैं। पहला तो राइज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, आजकल हम बहुत सारा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ ही साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड्स के चांसेस हैं जैसे फिशिंग के, विशिंग के, रैनसमवेयर के, सब बढ़ चुके हैं क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स लाइक व्हाट्सएप पे, गूगल पे, फ़ोन पे के कारण ये सब फ्रॉड्स ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं और यही कारण है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर बिकमिंग वल्नरेबल टू साइबर बुलिंग, मालवेयर, ETC, डाउनलोडिंग अनसेफ ऐप्स। और जब ज़्यादा ज़्यादा ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल अभी देखिए मुंबई के अंदर जो पावर सप्लाई के लिए हमने ऑनलाइन इनेबल्ड या ई इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया और इसी कारण से हम वल्नरेबल हो गए और चाइना की जो एजेंसी है, साइबर अटैक एजेंसी है, उसने सोपैड मालवेयर की मदद से हमारे इस सॉफ्टवेयर को डिसरप्ट कर दिया था। साइबर वॉरफेयर के चांसेज आजकल बढ़ गए हैं, साइबर टेररिज्म के चांसेस बढ़ गए हैं। देखिए आजकल पूरी दुनिया भर में अलग अलग जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर न्यूक्लियर सेटअप्स हैं उनमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और उनको अगर कोई हैक कर ले, कोई उसको कंट्रोल कर ले तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए साइबर वॉरफेयर। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जब ईरान के नटांज प्रोविंस पे, नटांज में उनका, ईरान के अंदर एक नटांज प्रोविंस है, वहाँ पे उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ पे इजराइल ने अटैक कर दिया था तो फिर उसके बदले में ईरान ने क्या किया, ईरान ने इजराइल के डीसैलिनेशन प्लांट को हैक कर लिया। देखिए इजराइल में पानी की बहुत कमी है और इसी कारण से इजराइल के लोग जो हैं वो बहुत सारा पानी ओशन का डीसैलिनेट करके पीते हैं और ये जो डीसैलिनेशन प्लांट है वो सॉफ्टवेयर से चलता है। और ईरान के ऊपर जब नटांज प्रोविंस में अटैक हुआ तो ईरान के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इजराइल के डीसैलिनेशन प्लांट को हैक करके उसको बंद कर दिया जिस कारण से वाटर सिक्योरिटी क्राइसिस हो गई थी इजराइल के अंदर। तो ये सब एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं साइबर वॉरफेयर के, साइबर टेररिज्म के। स्पाइंग की एक्टिविटी बढ़ गई है, आपको पता है कि टिकटॉक और उसके अलावा कई सारे चाइनीज ऐप्स को भारत सरकार ने इसीलिए बैन किया क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये सारे जो ऐप्स हैं वो इंडिया से डाटा चुरा रहे थे, स्पाइंग कर रहे थे। उसके अलावा मॉडर्न टाइम्स में चैलेंजेस और भी इसलिए हैं क्योंकि हेल्थ के बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो हम डाटा, अपना हेल्थ रिलेटेड डाटा इन सारे ऐप्स में फीड करते हैं और अगर कोई इसको हैक कर ले तो पूरा का पूरा सिस्टम वो डिसरप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आरोग्य सेतु ऐप में हमें बताता था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कोविड पेशेंट हैं, अगर कोई उस सिस्टम को हैक कर लेता तो सोचिए वो क्या क्या कर सकता था, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन पास कर सकता था या हमें वो फिर हरास करने के लिए हमें वो इस तरह के इन्फॉर्मेशन पास कर सकता था कि आपके आसपास में बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आ चुके हैं। तो थिंग्स कुड हैव हैपेंड, डिजास्ट्रस थिंग्स कुड हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ दीज ई इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज अगर वो हैक हो जाए तो। और मॉडर्न टाइम्स में जितना ज़्यादा हम ई इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बने रहेंगे। अभी सॉल्यूशन क्या है, कुछ एक सॉल्यूशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। हमारी जो देश की एजेंसी है सर्ट इन का फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। देखिए
ये जो सर्टिन है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसका पर्पस ये कि हमारे देश के अंदर जो भी सिक्योरिटी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखें फ्रॉम अटैक्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग, एंड इट स्ट्रेंथेंस सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ इंडियन इंटरनेट डोमेन। ये है सर्टिन का काम। तो सर्टिन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए ताकि इस तरह के अटैक्स फ्यूचर में ना हो सकें। उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडिया की जो डिफेंसिव साइबर डिटरेंस वाली अप्रोच है, अभी तक हमारी अप्रोच साइबर सिक्योरिटी में डिफेंसिव है, उसको ऑफेंसिव बनाना चाहिए। ऑफेंसिव का एक छोटा मोटा हमने एग्जाम्पल दिया है, एग्जीबिशन दिया है, जब हमने चाइना के कई सारे ऐप्स को बैन कर दिया कि नहीं चलने देंगे हमारे देश में, तुम डाटा चुरा रहे हो। तो थोड़ा हमें ऑफेंसिव होना होगा रादर देन बीइंग डिफेंसिव। बस बचने से नहीं होगा, हमें इस तरह के सस्पिशियस एलिमेंट्स को टारगेट भी करना होगा, उनको हटाना भी होगा। उसके अलावा सोशल मीडिया का रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी बहुत सारे डाटा इस तरह से चुरा लिए जाते हैं। और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हाल फिलहाल में आपको पता है कि हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डाटा भी रिलीज किया, अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक रेगुलेशन भी रिलीज किया है सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए, मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर भी किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ की जा सकती हैं फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली सब सेगमेंट हेल्थ। सो सबसे पहले प्रोविजन समझते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, फिर करंट आर्टिकल पे आएंगे। तो देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स लीगल राइट टू फूड, मतलब लोगों को कानूनी अधिकार है बेसिक फूड ग्रेन्स मिलने का। इसके अंदर सम एलिजिबल हाउस होल्ड्स आर आइडेंटिफाइड और उनको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, सस्ते दामों पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तो कौन कौन से एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनको देखते हैं। तो दो कैटेगरी के लोग हैं, दो कैटेगरी के हाउस होल्ड्स हैं जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सब्सिडाइज रेट पे फूड मिलता है। पहली कैटेगरी के लोग हैं, उनको हम लोग कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरीज। इसके अंदर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिनको गरीबों में भी सबसे गरीब माना जाता है, उनको रखा जाता है अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंतर्गत। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत देखें कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं। सम पीपल हु आर टर्मिनली इल, बहुत बीमार हैं, विडोज, डिसेबल्ड, या ट्राइबल्स हु आर कंसिडर टू बी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स विदाउट लैंड, मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, दे आर कंसिडर टू बी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, और इनको फिर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी लिस्ट में इनका नाम रखा जाता है और उनका इस तरीके का अंत्योदय अन्न योजना कार्ड बनता है। उसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में रखा गया है, उनका नाम दिया गया है प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स। तो रूरल एरियाज में, गांव के एरिया में जो 75% तक के गरीब लोग हैं, नीचे से 75% तक जो गरीब लोग हैं उनके लिए है, उनका नाम होगा प्रायोरिटी हाउस होल्ड लिस्ट में। और अर्बन एरिया में जो 50% सबसे गरीब लोग हैं, नीचे से 50% तक लोग हैं, उनका नाम होगा प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में। और टोटल अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो लगभग 81 करोड़ लोगों का नाम प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में है। तो ध्यान से सुनिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया, पर्पस था कि जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते दामों पे सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन अवेलेबल कराया जाए। और इसके अंदर दो कैटेगरी के गरीब लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरीज, उनमें कुछ कैटेगरी रखी गई है जो यहाँ हमने देखा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड, तो अर्बन एरिया के 50% तक के गरीब लोग और रूरल एरिया के 75% तक के गरीब लोगों को इस अंत्योदय अन्न योजना में बेनिफिशियरी की तरह रखा गया है। अब दोनों ही कैटेगरी के लोगों को फूड ग्रेन दिया जाता है, किस रेट पे दिया जाता है वो भी तरह देखते हैं। बहुत सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3 रुपये केजी राइस मिलता है, 2 रुपये केजी व्हीट मिलता है, और 1 रुपये केजी कोर्स ग्रेन जैसे ज्वार बाजरा मिलता है इन लोगों को। इन सब्सिडाइज रेट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। अब देखिए, अंत्योदय अन्न योजना वाले को महीने में 35 किलो फूड मिलता है, 35 किलो तक ग्रेन मिल जाता है इस रेट पे, जबकि प्रायोरिटी हाउसहोल्ड वालों को बस 5 किलो मिलता है हर महीने। तो ये एक बेसिक अंतर है। अंत्योदय अन्न योजना वाले लिस्ट में जिनका नाम है उनको ज़्यादा मिलता है, प्रायोरिटी हाउसहोल्ड वालों को कम मिलता है। अब जरा देखते हैं कि रिसेंट न्यूज़ क्या है, करंट न्यूज़ क्या है। तो देखिए, नीति आयोग ने एक डिस्कशन पेपर सर्कुलेट किया जिसमें उन्होंने सब प्रपोज किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर
कुछ चेंजेज लाने की ज़रूरत है। तो दो तरीके के चेंजेज उन्होंने प्रपोज किए हैं। पहला तो उन्होंने किया है कि कवरेज को कम किया जाए, इतने सारे लोगों को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने प्रपोज किया है कि रूरल एरियाज़ में 75% ना करके बिलो या बॉटम मोस्ट 50% लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में रखा जाए। टोटल 75% लोगों को फूड देना संभव नहीं है, और अर्बन एरिया में बॉटम के 50% यानी कि नीचे से 50% गरीब लोगों को कवर ना करके नीचे से 40% गरीब लोगों को कवर किया जाए, तो कवरेज में रिडक्शन किया जाए। और दूसरा, सेंट्रल इशू प्राइस भी थोड़ा बढ़ाया जाए। जो सब्सिडाइज प्राइस मैंने आपको बताया, 3 रुपये राइस, 2 रुपये वीट, 1 रुपये कोर्स ग्रेन, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए। इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि देखिए, जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था, तब भी प्रपोज किया गया था कि 3 साल बाद फूड प्राइस बढ़ाई जाएंगी, सेंट्रल इशू प्राइस बढ़ाई जाएंगी, लेकिन आज तक बढ़ाई नहीं गई हैं। और इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने भी रिकमेंड किया था कि सेंट्रल इशू प्राइस को थोड़ा रिवाइज़ किया जाए। ऐसा नीति आयोग ये दो प्रपोजल उन्होंने दिया क्यों है, क्यों कवरेज घटाने की बात कर रहे हैं, क्यों सेंट्रल इशू प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार के ऊपर फूड सब्सिडी का बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है। आप देखिए, इस साल जो बीता हुआ साल था 2020-21, उसमें भारत सरकार ने 4,22,000 करोड़ रुपए खर्च किए फूड सब्सिडी पे। फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी। आप देखिए इनसे कितना ज़्यादा है फूड सब्सिडी। इस साल भी भारत सरकार ने लगभग एस्टिमेट बजट दिया कि लगभग 2,42,000 करोड़ वो फूड सब्सिडी पे खर्च करेंगे, जो बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। इसीलिए नीति आयोग ने ये दो सजेशंस दिए हैं कि ओवरऑल लोगों की कवरेज कम की जाए और सेंट्रल इशू प्राइस घटाई जाए। और इससे नीति आयोग का मानना है कि लगभग 47,229 करोड़ तक का रुपया हर साल बचाया जा सकता है, एंड विद दिस द फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट विल कम डाउन। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, एंड दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस, पेपर 3, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सब सेगमेंट हेल्थ। सो देखते हैं इस स्कीम के बारे में। दिस स्कीम, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, वॉज लॉन्च्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एंड दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2008 अंडर नेम जन औषधि कैंपेन, और इसको रन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है BPPI को, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। ये जो BPPI है ये इस स्कीम को रन करती है। और पर्पस क्या है इस स्कीम का, पहले ये अच्छे से समझ लीजिए, अपने आप आपको बाकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इस पर्पस को समझने के लिए पहले आप समझिए द मीनिंग ऑफ जेनेरिक मेडिसिंस। देखिए होता क्या है कि एक ही केमिकल कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल, केमिकल कंपोजिशन है ये, वही केमिकल कंपोजिशन के कुछ एक ड्रग्स होते हैं जो 1 रुपये में 1 टैबलेट आपको मिल जाता है, और वही केमिकल कंपोजिशन की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, 15 रुपये 20 रुपये का 1 टैबलेट होता है। तो जो सस्ती दवाइयाँ हैं उनको हम कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। हो सकता है जेनेरिक इसलिए क्योंकि उनको लोकली किसी कंपनी ने बनाया हो, इंडिया की कंपनी ने बनाया हो। जो महंगी दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं ब्रांडेड ड्रग्स, पैटेंटेड ड्रग्स, और वो महंगी होती हैं। कंपोजिशन सेम है, इफेक्टिवनेस सेम है, लेकिन दाम में बहुत ज़्यादा अंतर है, 10-10, 20-20 गुना का अंतर होता है। और हमारे देश में दिक्कत क्या है कि आम आदमी को पता नहीं होता, गरीब आदमी को पता नहीं होता कि ये दवाई, इसकी केमिकल कंपोजिशन इसी तरीके के दवाई दूसरे में भी है लेकिन उसका दाम काफ़ी कम है। और डॉक्टर्स क्या करते हैं कि फिर वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और के कारण उनसे गिफ्ट वगैरह लेकर के, पैसे लेकर के वो लोग महंगी दवाइयाँ लिखते हैं ताकि आम आदमी को ज़्यादा पैसा देना पड़े। तो बहुत सारे ऐसा डॉक्टर्स का ऐसा काम करते हैं कि जेनरिक ड्रग्स ना लिख करके, सस्ती दवाइयां ना दे करके महंगी ब्रांडेड दवाइयां देते हैं लोगों को, और लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब भारत सरकार ने फिर 2008 में इसी चीज़ को टैकल करने के लिए ये कैंपेन चलाया, जन औषधि कैंपेन, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि इस तरह के जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और जन औषधि केंद्र में जेनरिक ड्रग्स मिलेंगे।
अब आपको डॉक्टर ने लिख दिया, कोई दवाई लिख दी, आप जन औषधि केंद्र में चले जाइए और ये जो जन औषधि केंद्र में जो भी इंसान होगा वो दवाई देखेगा और उसका जेनेरिक वर्जन वाला ड्रग्स आपको दे देगा, जेनेरिक वर्जन वाला सस्ता दवाई आपको दे देगा। और ये जो एजेंसी है BPPI, उसको इसी काम के लिए रन ही किया गया था कि वो हर जन औषधि केंद्र के अंदर जेनेरिक ड्रग्स की सप्लाई करा सके। और इस तरह के तमाम जन औषधि स्टोर्स खोले गए हैं, हमारे शहर में भी है, गुवाहाटी में भी आप देखिए जन औषधि केंद्र दिख जाएंगे, कुछ पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगहों पे खोले गए हैं। और जो इसके अंदर फार्मासिस्ट होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं जेनरिक ड्रग्स को पाने में, उनको नाम दिया गया है स्वस्थ के सिपाही या स्वास्थ्य के सिपाही। तो इस तरीके से ये स्कीम काम करता है। अब करंट न्यूज़ ज़रा देख लेते हैं। आप देखिए 2019 से ही जन औषधि दिवस हमने मनाना शुरू किया है 7 मार्च को, तो इस साल हमारा तीसरा जन औषधि दिवस होगा आने वाले 7 मार्च को, और उस दिन हम लोग जन औषधि दिवस मनाएंगे। और इस साल जो जन औषधि दिवस है उसका थीम है सेवा भी रोजगार भी। नाउ प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट, इट इज़ अबाउट इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 आसाम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूज़ काफ़ी सरल है, जो यूनियन मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप कराने के लिए, जिसका नाम ही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर मिनिस्ट्री कहते हैं, इसने एक नई तरह के टेक्नोलॉजी वाली प्लांट ओपन की है हमारे गुवाहाटी के अंदर। इस प्लांट का पर्पस है, इस न्यू टेक्नोलॉजिकल प्लांट का नाम है इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट एंड इट हैज़ बीन ओपनड इन द प्रेमाइसिस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल इन बेरनीघाट गुवाहाटी। इस प्लांट के अंदर जैसा नाम ही इससे आप देख रहे हैं, बैम्बू को ट्रीट करना, बैम्बू को आपको पता है कि उसको ट्रीटमेंट के बाद ही उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में। तो बैम्बू ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशल तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस यूनिट के अंदर, और उस स्पेशल टेक्नोलॉजी का नाम है वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेशन टेक्निक। और ये टेक्निक को फंड किया है, इस टेक्नोलॉजी को फंड किया है नेशनल बैम्बू मिशन ने, जो भारत सरकार द्वारा रन कराई जा रही है। और इस बैम्बू टेक्नोलॉजी से फिर होगा क्या, जो बिरनीघाट में ये सेंटर हमने लगाया बैम्बू टेक्नोलॉजी का, इससे होगा क्या कि आसाम के अंदर बैम्बू का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे आसाम की GDP को फ़ायदा मिलेगा, आसाम की इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद मिलेगी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट, दिस सेज दैट Oil India Limited has been asked to shift its corporate office from Delhi to Assam. This topic is again important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. तो देखिए करेंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। ऐसा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को कहा है कि वो अपना कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली से आसाम के अंदर शिफ्ट कर दें। और इस डायरेक्शन के पीछे जो मेन कारण है वो है पिछले साल जुलाई के अंदर भगजन ऑयल फील्ड में आग लगना। आपको पता है ऑयल इंडिया लिमिटेड के भगजन ऑयल फील्ड में आग लग गई थी, कई 5-6 लोग मारे भी गए थे, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कम से कम 3-4 दफ़ा कवर किया है। तो भारत सरकार ने ये डायरेक्टिव दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को कि आप अपनी कॉरपोरेट ऑफिस भी आसाम में शिफ्ट करें, क्योंकि आपका मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटी तो आसाम ही है, ताकि आप अपने एक्टिविटीज़ को, जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ है उसको क्लोजली मॉनिटर कर पाएँ और इस तरह के आग को या किसी भी और मिसहैप को फ्यूचर में अवॉइड कर सकें। लेकिन देखिए इस केस में तो भारत सरकार का पर्पस है कि कॉरपोरेट ऑफिस आसाम में रहेगा तो इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में नहीं होंगी, जो एक्सपर्ट्स हैं वो हर एक चीज़ को नज़दीक से ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन एक बात और है कॉरपोरेट ऑफिस को लेकर के कि देखिए आसाम के अंदर कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जो ग्राउंड एक्टिविटी आसाम में होती है लेकिन उनकी कॉरपोरेट ऑफिस बाहर में रहती है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। अब इससे होता क्या है कि जो मेन एक्टिविटी है जिससे सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट होता है, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब तो बाहर होता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बाहर जनरेट होता है दूसरे स्टेट में, GDP कंट्रीब्यूशन भी दूसरे स्टेट को मिलता है। अब हमारे यहाँ पे अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी है, ग्राउंड में खाली अगरबत्ती बन रहा है आसाम के अंदर, बाकी सब कुछ बाहर हो रहा है, तो उतना फिर आसाम को फ़ायदा नहीं हो पाता है क्योंकि उतना वैल्यू एडिशन आसाम में होता नहीं है। तो हमारे यहाँ के अगर रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन भी हमारे यहाँ करो, तो हमारी इकोनॉमी को, आसाम की इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो और आसाम
के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। तो ये जो शिफ्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड के कॉरपोरेट ऑफिस का आसाम के अंदर, इसी तरीके का शिफ्ट बाकी सारे इंडस्ट्रीज जो बेसिकली आसाम के रॉ मटेरियल से चल रहे हैं उनको भी इंडिया आसाम के अंदर करना चाहिए, तब जाकर के आसाम इकोनॉमी को फायदा होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि वी नीड टू शिफ्ट द बेस और कॉरपोरेट ऑफ दोज ऑफिसेज हु आर बेसिकली रनिंग ऑन द रॉ मटेरियल्स ऑफ आसाम इन आसाम इटसेल्फ, देन ओनली आसाम इकोनॉमी विल बी बेनिफिटेड। द मेन वैल्यू एडिशन शुड बी डन इन आसाम इटसेल्फ। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक फॉर अपकमिंग एपीएससी टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 449 to 451। टॉपिक नंबर 449 इज अबाउट मरियम आस्तीन अथाबा हीरा बरुआ, इट इज अ बुक रिटन बाई रूपा कलिता पटिंगा, एंड प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 450 इज अबाउट रोंगा पुलिस, रोंगा पुलिस इज द फर्स्ट एसएमएस फिल्म टू विन अ सिल्वर मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 450। टॉपिक नंबर 451 इज अबाउट अपर रूपा, इट इज द बेस्ट फिल्म और इट इज द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाई जानू बरुआ, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 451। This is the answer question number 446 to 448 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने practice question दिया था उसका answer देख लेते हैं। LDC country से graduate करने के लिए इसमें से कौन सा index applicable नहीं होता? Correct answer will be option C, Environment Vulnerability Index. Second question was about Surya Kiran Sarang, recently seen in news are fleet of Indian Air Force who have participated in 70th anniversary of Sri Lankan Air Force. That's all from our side for today. Thanks for watching.